गया है कि अगर कोरोना वायरस लगा तो इसका इफेक्ट सीधा हमारे लंग्स पे जाएगा या फेफड़े पे जाएगा, हाँ। वो डर अभी लोगों के मन में बैठा है, तो ये क्या है इसके बारे में बता दीजिए। इसके बारे में बोलूँ, डरो मत पहले, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप दिन में बार बार हाथ धो, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से या साबुन से बार बार हाथ धोना चाहिए, और किसी को कॉफ होने से उसका खुद मास्क पहनना चाहिए, और ये नहीं कि N95 मास्क ही पहनना है, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी सर्जिकल मास्क पहन सकते हो, और नहीं तो कागज़ से, A4 कागज़ से खुद मास्क बनवा के भी पहन सकते हो, मगर सबको मास्क पहनना कोई ज़रूरी नहीं है। किसको पहनना है, जिसको ये सिम्टम्स है, मतलब खांसी, बुखार या श्वासकष्ट, और नहीं तो उसके साथ जो रहता है उन लोग को भी पढ़ना चाहिए। तीसरा, ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या RTI, ये कोविड या नॉन कोविड जो वायरलेंस पेशेंट को बीमारी से बचाता है, जो इलाज करते हैं, मतलब डॉक्टर लोग, सिस्टर लोग, स्टाफ, टेक्नीशियंस, ICU टेक्नीशियन, जो कोई हेल्थ फैसिलिटी में काम करते हैं, उन लोग को मास्क पहनना चाहिए। बाकी आम आदमी को मास्क पहनना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपने बताया ये सैनिटाइजर में ये अल्कोहल बेस्ड जो है उसको यूज़ करना है, तो अभी लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, खुद ही अल्कोहल पीने लगे हैं कि अल्कोहल पीने से हम लोगों को ये कोरोना वायरस से बचाव मिलेगा, तो ये इसके बारे में बोल दीजिएगा ना। अल्कोहल पीने से तो बचना शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब लगाने से वो मरता है, ठीक है, एंड वो परसेंटेज भी दोनों में काफ़ी अंतर है। अल्कोहल पीने से उससे बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और दूसरा चीज़ आपको याद रखना होगा, ये कुछ कुछ स्टडीज़ में है, अल्कोहल की जगह आप गर्म नमक पानी से कुल्ली करने से अच्छा होता है, क्योंकि गर्म नमक पानी में हाँ ये कॉन्सेंट्रेशन में ये वायरस बच नहीं सकता है। तो किसी को ऐसा कोई बुखार कफ होते हो शुरू हो जाए तो वार्म सलाइन गार्गल कर सकता है, दिन में तीनों बार 5-10 मिनट करके करके करने से फ़ायदा मिल सकता है। मगर ये याद रखने होगा, ये वायरस ड्राई सरफेस में बच नहीं सकता, और हम लोग को सबको ये हैंड वॉशिंग साबुन से प्रैक्टिस करने होगा। ऐसा हैंड रब हम लोग बोल रहे हैं, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब कोई भी साबुन से भी कर सकते हो, वो साबुन आपको पता है साबुन में तो अल्कोहल रहता ही है, कोई साबुन से बार बार हाथ धोने से भी फायदा मिल सकता है। और जैसे कि अभी मास्क मेनिया जैसा हो रहा है सभी में ना, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये घोषित किया है कि मास्क किसको पहनना चाहिए और किसको नहीं पहनना चाहिए, तो अभी तो यहाँ पे एक फैशन ही बन गया है कि चलो बच्चे को पहनाया, मॉम डैड ने नहीं पहना, मॉम डैड ने पहना तो बच्चे को नहीं है, तो रास्ते में कोई लड़का लड़की जा रहा है वो पहन के रखा है तो कोई नहीं पहन। एक्चुअली आप बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को कि मास्क किसको पहनना चाहिए। जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि मास्क आम आदमी को पहनना कोई ज़रूरी नहीं है, मरीज को पहनना है जिसको खांसी, बुखार या श्वासकष्ट हो रहा है, और मरीज के इलाज में जो जो है, मतलब डॉक्टर, सिस्टर, ICU टेक्नीशियंस, पैरामेडिकल स्टाफ्स, वो लोग ज़रूर मास्क इस्तेमाल करेंगे, और आइसोलेशन होना चाहिए, उसको अलग जगह पर रहना चाहिए, और उसके साथ उसके घर वाले जो है उसको भी मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि हो सकते है उससे उन लोगों को फैल जाए। तो ये अलावा बाकी आम आदमी को मास्क पहनना इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं। ओके, तो अभी जैसे कि दवाई दुकानों में N95 वाला मास्क आया है, तो ये तो र्यूमर भी फैल गया होगा ये तो, कि N95 वाला मास्क पहनना है, ये नॉर्मल मास्क नहीं पहन सकते हैं, तो ये N95 मास्क में, नॉर्मल मास्क में और सर्जिकल मास्क में इसमें क्या डिफरेंस है? N95 आपको पता चलेगा, N95 इज अ डायमेंशन, वो जो हम लोग बोलते हैं मास्क का पोर डायमेंशन है, 0.95 mm, उससे उसका नाम आया है N95 पोर डायमीटर। मगर आप लोग को मैं आश्वस्त करता हूँ, ये वायरस काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए N95 मास्क ज़रूरी नहीं है। मैं पहले बोल दिया कि आप
खाली A4 कागज़ से खुद भी मास्क बना सकते हो और ये वायरस आसानी से हम लोग इसको रोक सकता है। ये ज़रूरत नहीं है कि N95 मास्क ही पहनना चाहिए। और पहले पहले कोई लोग सोचे थे N95 मास्क के बारे में, क्योंकि ये सही है, ये फेफड़ा में घातीकारक हो सकते हैं, उसी लिए ये जो मॉर्टलिटी हो रहा है जब वो फेफड़ों में पहुंच जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है। मगर हम लोग अच्छा से रहे, प्रिवेंशन इज जो बोल रहा हूँ मैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में यूनिवर्सल प्रैक्टिस गाइडलाइन जो बोलते हैं हम लोग, सब स्टाफ को जो मानना चाहिए मगर लोगों ने नहीं करते, इसीलिए ये फैल चुके हैं। यूनिवर्सल गाइडलाइंस मान के काम करने से ये नहीं फैल सकता है। हम लोग को चाहिए ये प्रिवेंट करना, इसका इलाज के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। तो दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई यो कुरा पनि क्लियर भयो होला कि मास्क चाहिँ कसले लाउनु पर्ने र कसले नलाउनु पर्ने, र यो एउटा अफवाह एउटा र्युमर मात्र रहेछ कि N95 मास्क चाहिँ हामीले लाउनु पर्ने भनेर। N95 मास्क यति अलिकति अब अरू मास्क हेरी चाहिँ यो मास्क चाहिँ धेरै एक्सपेन्सिभ भनौँ अरू मास्क हेरेर चाहिँ, तर यो मास्क किन्ने जरुरत छैन रहेछ र हामीले नर्मल मास्क लाउँदा पनि हुने रहेछ। तर डक्टर साहबले हामीलाई क्लियर गर्नुभयो कि कसले चाहिँ मास्क लाउने कसले नलाउने, सबैजनाले त्यो N95 किन्नुपर्छ भन्ने यस्तो केही पनि छैन रहेछ भनेर हजुरहरूलाई हामीले यो कुरा क्लियर गर्ने कोसिस गर्दछौँ। र दर्शकवृन्द, कुराकानीको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई भनि लिनुहोस् एउटा सानो ब्रेक, हामी आउनेछौँ, कहीँ नजानुहोला, हेर्दै गर्नुहोस् त्यसरी टेलिभिजन। पश्चात पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम प्रतिभा मञ्चमा। र आज हामीहरू समक्ष उपस्थित हुनुभएको छ सिलगढीबाट डाक्टर शीर्षेन्दु पाल, जो चाहिँ आज कोरोना भाइरसको टपिकमा हामीहरूसँग कुरा गरिरहनु भएको छ। त जैसे कि लोगों के मन में ये भी डर बैठा है सर कि अगर हाँ मुझे कोरोना भाइरस हुआ है तो मैं तो जाऊँगी सीधा वेंटिलेटर, तो ये वेंटिलेटर का ये ICU का ये सब क्या है सर? आप सही बात बोले हो मगर ये बिल्कुल गलत। आप सब लोग को पता चलना चाहिए कि 100 में 80-85% लोगों को कोरोना वायरस में माइल्ड इन्फेक्शन होती है, मतलब उन लोग को पता ही नहीं चलता है कि उनका कोई इन्फेक्शन है। बाकी
12-13% को इलाज करवाना ज़रूरी होता है, मतलब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, ठीक है, और बाकी 3-4% को क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है, और क्रिटिकल केयर पेशेंट को ही वेंटिलेटर लग सकता है, और सभी क्रिटिकल केयर पेशेंट को भी नहीं। आपको पता है इसका एवरेज जो हम बोले थे केस फेटलिटी रेट 2% से भी नीचे है, उसीलिए खतरा कम ही है कोरोना वायरस से। और आप लोग को पता चलना चाहिए कोरोना वायरस अलावा और भी बीमारी है, उस सब बीमारी के बारे में भूल मत जाओ। जिसका प्रेशर है प्रेशर का गोली लेना चाहिए, जिसका शुगर है शुगर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये सब बीमारी में इम्यूनो डेफिशिएंट होने से कोरोना वायरस की और कोई भी वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है जिसको इम्यूनो डेफिशिएंट है। तो आप लोग को सबको ध्यान में रखना चाहिए कि बाकी जो बीमारी है उसमें भी बचना है, उससे भी काफ़ी लोग को मरण हो रहा है, काफ़ी लोग का मृत्यु हो रहा है। तो खाली कोरोना के बारे में मत सोचो, कोरोना वायरस प्राणघाती तो है ही नहीं, 100 में 2 लोग मारा जाता है, और वो भी आप बाकी बीमारी के साथ तुलना करो तो ये केस फेटलिटी रेट कोरोना वायरस का बाकी वायरल इन्फेक्शन से भी कम ही है। ओके, तो जैसे कि सर सुनने में आया है कि कोरोना वायरस अगर ठंड में आएगा तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि अभी तो दार्जिलिंग अभी तक तो सुरक्षित है, अगर लेकिन दार्जिलिंग में कोरोना वायरस आया तो हम लोग इसका रोकथाम कैसे करेंगे ठंड में, क्योंकि बोल रहे हैं कि इसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है। हाँ, कोई भी वायरल इन्फेक्शन थोड़ा ठंड में ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने से जिन जनरल